बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको एक न्यूज़ से अपडेट कर देता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है जैसा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ पहले से देख चुके होंगे, मैं भी शेयर कर चुका हूँ एक इसके मुतल्लिक वीडियो आप साथ, यानी कि सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों में क्वारंटाइन सेंटर कायम करने शुरू कर दिए गए हैं और यहाँ मुख्तलिफ होटल्स वगैरह को इसके मुतल्लिक लाइसेंस जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक दो बातें हैं जी, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। यकीनन आप भाइयों के अगर माइंड में कुछ सवालात होंगे तो आपको हल मिल जाएगा। मजीद आपके अगर कुछ और पूछना चाहे तो मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो भाई इसमें यह होगा कि ये क्वारंटाइन सेंटर वगैरह तो तमामतर जो कैंप वगैरह हैं, होटल वगैरह, उनको लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा फ्लैट्स कब ओपन होंगी, ये तो कंप्लीट हो चुका है जी। और उसके अलावा पैकेज क्या होगा, यानी कि यहाँ पर आपको जो कंटेन अगर आप करेंगे उनका पैकेज क्या होगा, कोई पैकेज होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको फ्लैट्स के मुतल्लिक बता दूं भाई, फ्लैट्स अगर कंटेन सेंटर कैम कर दिए गए हैं तो फ्लैट्स के मुतल्लिक भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। अब इसके मुतल्लिक आपको कोई भी बंदा बोल दे 5 दिन में 10 दिन में तो वो झूठ बोल रहा है, मैं खुद से भी कोई डेट नहीं बता सकता। बिलाल अकबर साहब की बात करें तो उनकी तरफ से नवंबर का ही कहा गया, ये तो आपको पता है जी। तो डेट के मुतल्लिक कंफर्म नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जल्द बहाल होंगी। ठीक है जी, अभी बात कर लेते हैं कंटेन पैकेज वगैरह के मुतल्लिक। तो अब आप इस चीज से अंदाजा करें कि सऊदी अरब ने पहले क्या किया है। सऊदी अरबिया ने पहले यह किया है कि कोई भी बंदा उस कंट्री से डायरेक्ट सफर कर सकता है सऊदी अरबिया का, जहां से सऊदी अरब की फ्लैट्स ओपन है, चाहे उसने वैक्सीन की एक डोज ली है, चाहे उसने चाइना की लगवाई हुई है जो सऊदी अरब में अप्रूव ही नहीं है। तो उसको करना यह होगा कि उसको 5 दिन का यहां पर क्वारंटाइन करना होगा, आपका पीसीआर टेस्ट किया जाएगा, फिर 5वें दिन आपका पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। उन बंदों के ऊपर क्या कोई पैकेज वगैरह की शर्त रखी गई है या डिटेल में बताया गया है या किसी से आपने सुना होगा जो 5 दिन का कंटेन होगा उनको भाई यहां पर 5,000 रियाल 4,000 रियाल जमा करवाने होंगे, ऐसा कुछ सुना है? नहीं। तो इसी चीज को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि जब डायरेक्ट फ्रेस बहाल हो जाएंगी वो तमाम मेरे भाई जो चाइना वैक्सीन लगवाई है, बूस्टर अभी तक नहीं लगवाया है या एक डोज ली हुई है अभी तक नहीं ली हुई है, तो वो भी सऊदी अरबिया में आ सकेंगे इंशाल्लाह, और उनको यहां पर 5 दिन का कंटेन करना होगा। और आपको मेरे हिसाब से इंशाल्लाह ताला कोई भी किसी किस्म का अजाफी चार्ज यानी कि आपसे नहीं लिया जाएगा, आपसे कोई पैकेज वगैरह के पैसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जब इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाल होंगी आने वाले चंद दिनों में तो उस टाइम भाई क्लियरली सब चीजें सामने आ जाएंगी कि क्या मामला हैं, कैसे आपको करना है, कैसे आप आ सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं अपने काम के ऊपर या कितने दिन आपको क्वारंटाइन करना होगा। ये तो फ्लैट्स ओपन होंगी उसके बाद ही फिर तमाम तफसीलात सामने आएंगी।